कोरोना की दूसरी लहर में कमी आने के बाद भाई बहन के अटूट बंधन के प्रतीक के पर्व रक्षाबंधन को लेकर शहर के बाजार गुलजार होने लग गए हैं। इस त्योहार को लेकर महिलाओं व युवतियों में खासा उत्साह है। रविवार 22 अगस्त को मनाए जाने वाले राखी पर्व पर भद्रा का साया नहीं है, जिसके चलते बहनें दिन भर अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांध सकेंगी। राखी को लेकर बाजारों में भीड़ नजर आ रही है, जिसमें खास तौर से मिठाई, नारियल व राखी की दुकानें शामिल है, जिन पर महिलाएं व युवतियां खरीदारी करती नजर आ रही है। रक्षाबंधन पर्व 22 अगस्त रविवार को मनाया जाएगा। इसको लेकर बहनों ने तैयारियां प्रारंभ कर दी है और राखी खरीदने बाजार में उमड़ रही है। आसीन निवासी प्रेमलता राका ने बताया कि राखी पारस्परिक सौहार्द का पर्व है, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा करने का संकल्प लेता है। दुकानदार भरत सोडानी ने बताया कि 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की राखियां बाजार में बिकने के लिए आई हुई है। हालांकि महिलाएं इस बार फोटो फ्रेम, फैंसी मोर पंखों का चूड़ा, रुद्राक्ष वाली ब्रेसलेट पैटर्न, बच्चों की कार्टून वाली राखियों को लेकर काफी उत्साहित हैं। राखी पर्व को लेकर बालाजी मंदिर के महंत पंडित आशुतोष ने बताया कि इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन संपूर्ण दिन ही भद्रा नहीं है, उक्त तिथि भद्रा रहित है, अतः संपूर्ण दिन ही राखी बंधवा सूत्र निभाने का कार्य किया जा सकेगा। इस वर्ष रक्षाबंधन पर्व सावन शुक्ला पूर्णिमा रविवार तारीख 22/8 को है। इस दिन संपूर्ण दिन भद्रा नहीं है, भद्रा रहित मुहूर्त में ही रक्षाबंधन का शुभ कार्य किया जाता है। इस वर्ष भद्रा बिल्कुल नहीं है, इस कारण पूरे दिन रक्षाबंधन का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है, किंतु चौघड़ियों के अनुसार प्रातः 8:15 से लेकर दिन को 1 बजे तक, उपरांत 2:30 से 4 और उपरांत शाम को 6 से 9 तक गोधूली वेला में रक्षाबंधन सबके लिए मंगलकारी एवं शुभ श्रेष्ठ फलदायी है। राखी एक अच्छा प्रेम का त्यौहार है, भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो परस्पर सौहार्द का त्यौहार है और बहुत आनंद से मना रहे हम। हाँ जी, प्रेमलता राका है, आसीन से बिलोंग करती हूँ मैं।